हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, टारगेट एमएलटी ने अनाउंस किया था कि हम एक क्रैश कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि पेड रहेगा। बट उसके बाद क्या हुआ, ये डिसाइड किया गया कि जो आपकी क्लासेस रहेंगी वो आपको फ्री में यूट्यूब पर अवेलेबल रहेंगी, लेकिन इसके साथ साथ जो क्लास होगी उसकी पीडीएफ और टेस्ट सीरीज जो है उसको पेड कर दिया गया है। यानी कि क्लास जो है वो आपको यूट्यूब पर फ्री मिलेंगी, लाइव क्लास रहेगी, और टाइमिंग जो है आपको यहाँ पे इस पोस्टर में दे दी गई थी कि एक वीक के अंदर 3 दिन क्लास रहेगी, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। ठीक है, एक्सपेक्टेड टाइम 8 से 9 का है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। 8 बजे क्लास स्टार्ट हो जाएगी और ये क्लास जो अपने पास बाद में भी अवेलेबल रहेगी। ठीक है, बट आपको ट्राई करना है कि लाइव क्लास ही आप अटेंड करें ताकि अपने डाउट को वहाँ पे सॉल्व कर सके, पूछ सके कुछ डाउट हो तो। ठीक है, उसके बाद ये जो अपना बैच है, टेस्ट सीरीज बैच, इसमें आपको क्या मिलेगा, क्रैश कोर्स जो रहेगा अपनी क्लासेज का फ्री वाला, उसकी पीडीएफ मिलेगी, उसी दिन मिलेगी जिस दिन क्लास रहेगी। दूसरा, उसके नेक्स्ट डे, जैसे मंडे को क्लास है तो ट्यूसडे को मंडे वाली क्लास के एमसीक्यू आपको दिए जाएंगे। यानी कि जो भी वहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक से, तो वो क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। वो क्वेश्चन किसी ऐप पर नहीं मिलेंगे, वो आपको रजिस्टर्ड टेलीग्राम नंबर पर मिलेंगी। अब बात आती है, जो पीडीएफ बैच है टेस्ट सीरीज का, इसकी वैलिडिटी कब रहे कितनी रहेगी। तो ये वैलिडिटी जो अपने पास एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि 3 से 4 मंथ तक चलेगी। ठीक है, उससे कम ज़्यादा भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमने एक सिलेबस को डिसाइड किया है। वो सिलेबस क्या है, ये आपको पीडीएफ में दे दिया गया है। जैसे हिमेटोलॉजी जो है उसकी एक्सपेक्टेड जो हम क्लास समझ रहे हैं कि 10 से 12 क्लास उसमें चलेंगी। ठीक है, हिमेटोलॉजी के टॉपिक आपको दिए गए हैं। उसके बाद बायोकेमिस्ट्री की ये टॉपिक हम मेनली कवर करेंगे। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी में करेंगे। ठीक है, एक्सपेक्टेड है भाई, इससे कम ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन ट्राई किया गया है कि हम ये सारा कुछ कवर करें। और तो अपने पास दो चीज़ें निकल के आई है, एक अपने पास टेस्ट सीरीज है और एक क्लास है। तो क्लास फ्रीली रहेंगी और यूट्यूब पर रहेंगी, लेकिन अगर उसके साथ साथ आप अपनी प्रिपरेशन को बेहतर करना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज को सोल्व करना चाहते हैं, तो आपके लिए टेस्ट सीरीज बैच जो है ये इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, और इसके साथ साथ जो है 10 मॉक टेस्ट भी आपको दिए जाएंगे। ये यहाँ पे रह गया था थोड़ा बताना, जो 10 मॉक टेस्ट है ये आपको दिए जाएंगे भाई। 10 मॉक टेस्ट दिए जाएंगे इस टाइम पीरियड के दौरान, यानी कि 3 से 4 महीने तक जो पीडीएफ बैच चलेगा उसमें आपको 50 एमसीक्यू का एक मॉक टेस्ट रहेगा और ऐसे आपको 10 टेस्ट दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये सारा कुछ है। अब इसमें करना क्या है, जो भी कैंडिडेट अपनी टेस्ट सीरीज के लिए इंटरेस्टेड है तो उसको सबसे पहले दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है, कॉल नहीं करनी सबसे पहली बात, क्योंकि कॉल अटेंड नहीं होगी। ठीक है, बहुत सारी कॉल आती है तो मैं अटेंड नहीं कर पाता, तो सबसे पहले व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। मैसेज करने के बाद आपको एक लिंक दिया जाएगा, उस लिंक से आपको अपना फॉर्म सबमिट करना है। ठीक है, सबमिट करने के बाद वहाँ पे बोला जाएगा आपको कि आपको पेमेंट करके स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पर भेज देना है। तो जैसे ही आप व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट भेजेंगे तो आपको एक रोल नंबर दे दिया जाएगा और आपको टेलीग्राम पर ऐड कर दिया जाएगा, जहाँ पर आपको क्लास की पीडीएफ और टेस्ट सीरीज एमसीक्यू की पीडीएफ दी जाएगी। तो ये था कंप्लीट प्लान अबाउट क्रैश कोर्स बाई टारगेट एमएलटी। ठीक है, तो एक बार अच्छे से समझ लें क्या है क्या नहीं है। ठीक है, उसके बाद अपने आपको इनरोल कर लेना। ठीक है, तो यही इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी आपको आज इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू।